दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का आयोजन 17 नवंबर से 23 नवंबर तक साई 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक साइंदा स्कूल ग्राउंड पटेल चौक गोपाल नगर जालंधर में किया जा रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए सजना नंद जी महाराज ने बताया कि इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत में कथा व्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से मंगल कलश एवं शोभा यात्रा साइंदा स्कूल से आरंभ होगी, जो कि शहर की परिक्रमा कर कथा स्थल पर जाकर संपन्न होगी। उन्होंने सभी प्रभु भक्तों से इस भागवत कथा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सभी को जय श्री कृष्णा जी। आप सभी को जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आप सभी शहरवासियों के सहयोग से बहुत ही बड़े भव्य स्तर पर श्रीमद् भागवत कथामृत का आयोजन करवाया जा रहा है। यह आयोजन जो रहेगा 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक रहेगा 2024। इसका समय रहेगा शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। इसके संदर्भ में बहुत ही भव्य स्तर पर विशाल कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 15 नवंबर सुबह 11 बजे यह शोभा यात्रा साइंदा स्कूल के ग्राउंड से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर आकर संपन्न होगी। कथा का वाचन करने हेतु व्यासपीठ पर विराजित होने के लिए अपने पूरे वाद्य वृंद के साथ विश्व विख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी जालंधर शहर में पधार रही हैं, पहुंच रही हैं, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं। कथा का उद्देश्य है विकृत मन सुंदर बन जाए। जितने भी आज समाज में समस्याएं हैं उनका आधार मानव का विकृत मन है। अगर इस मन में भागवत कथा बस जाए, रम जाए, तो यह मन सुंदर हो जाएगा, जिसके कारण मानव के कर्म भी सुंदर हो जाएंगे। कथा व्यास जी रोज ही प्रसंगों के माध्यम से वाद्यवृंद संत समाज जो पहुंचेगा, बहुत सुंदर भजनों के गायन होंगे भगवान श्री कृष्ण जी के, और प्रतिदिन जो समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं में नशा बढ़ रहा है, जो उनकी बुरी संगति का मुद्दा है, उनमें खत्म होते संस्कारों का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, भारतीय संस्कृति की जो देसी गौ वंश है उसके संवर्धन एवं संरक्षण का मुद्दा है, गरीब बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसा हमारा एक प्रकल्प चलाया जा रहा है। वैसे तो संस्थान की तरफ से अनेकानेक प्रकल्प हैं, उनमें से एक प्रकल्प है मंथन। मंथन के अंतर्गत हम संपूर्ण विकास केंद्र के नाम से स्कूल हमने खोले हुए हैं, खोल रहे हैं और खुल रहे हैं। तो उसमें जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं, अभावग्रस्त क्षेत्रों के बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाता है, निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यह जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही है उनकी सहायतार्थ, उनकी सहायता के लिए हो रही है, और विश्व कल्याण की मंगल भावना, मंगल उनके अच्छे स्नेरियो समाज में, अच्छा स्नेरियो क्रिएट हो समाज में, दिव्य आभा उभर कर आए, सुंदर मन बने, अच्छे कर्म बने, विश्व के लिए मंगल कामना हेतु यह भागवत आयोजन हो रहा है। आप सब परिवार कथा में ज़रूर 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 पहुँचे। संगत के लिए बहुत ही सुंदर पंडाल सजाया जा रहा है, वाटरप्रूफ, बहुत ही सुंदर भारतीय संस्कृति, वैदिक भारत को दर्शाता भगवान श्री कृष्ण जी का, गौ मैया का बहुत सुंदर मंच लगाया जा रहा है। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है। तो आप सभी ने 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक साइंदा स्कूल की ग्राउंड पटेल चौक जालंधर ज़रूर पहुँचना है, ज़रूर पहुंचना है। जय श्री कृष्ण।